जी, तो इसके बाद जो हमारा आता है टाई रोड एंड पाइप जॉइंट। पाइप जॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। और पाइप जॉइंट के बाद में इसी टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे अब टाई रोड। टाई रोड मतलब जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह के क्रेन्स बहुत देखे हैं आपने, है ना। ये जो क्रेन है इसको देखा है आपने सभी ने, यस सर। या इस तरह के पोल्स के साथ में वायर की अटैचमेंट देखी है आपने। ये तो ये जो चीज है, यस ये सर। दिस दिस इज टर्न बकल जॉइंट, दिस इज टर्न बकल, ठीक है, वायर्स के अंदर। और जब हम यहाँ पर जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में देखते हैं, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे टर्न बकल जॉइंट लगा होता है। टर्न बकल जॉइंट का पर्पस क्या होता है कि इसको हम इजीली लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं एज पर अवर नीड, ठीक है। हम इस रोप को अपनी नीड के हिसाब से टाइट कर सकते हैं या इसको लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। टर्न बकल का बेसिक पर्पज ये है। यहाँ पर भी इसका पर्पज यही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि विंटर में जो वायर्स होती हैं वो टाइटेंड हो जाती हैं अपने आप ही, और समर में लूज हो जाती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसका जोड़ टर्न बकल के साथ में किया जाता है, ताकि समर में उसको टाइट किया जा सके और विंटर में उसको लूज किया जा सके अपने आप ही, ताकि वो ब्रेक ना हो वायर। ये हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी, है ना। तो इसके अंदर इसका यूज होता है, और अगर आप देखेंगे तो ये इसके यूज लिखे हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं इसके। इस बार हमारा पेपर जो है वो ड्राइंग बेस होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ यूज होता है इसका, लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए ड्राइंग पार्ट पे इसका, ठीक है। दिखने में कुछ ही ऐसा होता है टर्न बकल, ठीक है। एक हुक होता है, अब वो हुक जो है वो थ्रेडेड पोर्शन होगा, ऐसे ही इधर का ये भी होता है, ये भी थ्रेडेड होता है। तो दो तरह के हमारे इसके अंदर रॉड्स होते हैं। ये टर्न बकल के बारे में बताया गया कि टर्न बकल कंसिस्ट ऑफ एन इलांगेटेड मेटल बॉडी या ट्यूब विच इज ए सिलेंड्रिकल इन शेप एंड हैज टेपर्ड एंड। अगर आप देखो तो ये बॉडी इलांगेटेड है और इसका टेपर एंड है दोनों तरफ, ठीक है। इट्स सेंट्रल पोर्शन हैज ए स्लॉट टू एड टाइटनिंग एंड लूजनिंग ऑफ रॉड्स बाय टॉमी बार। ईच टेपर्ड एंड ऑफ द बॉडी हैज थ्रेडेड होल्स। अगर इसके अंदर ये देखो, ये थ्रेड बने हुए हैं इधर इधर भी और इसके अंदर भी, दोनों में थ्रेडेड होल्स हैं ये, यानी कि इंटरनल थ्रेडिंग है इसके अंदर, विद अपोजिट इंटरनल स्क्रू थ्रेड। अपोजिट इंटरनल मतलब राइट हैंड थ्रेड होगा इसके अंदर और लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा, ठीक है। इस तरफ एल एच थ्रेड है और इस तरफ आर एच थ्रेड है, यानी कि यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन पर ये टाइट हो जाएगा और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका फीचर होता है, ठीक है। और इस तरह से इसके अंदर हमारी जो वायर्स है वो उसको कनेक्शन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये डिटेल पार्ट्स दिखाया गया है टर्न बकल का, ठीक है। टर्न बकल में हमारे पास बेसिकली तीन चीजें होती हैं, एक तो बॉडी, एक आर एच थ्रेड और एक एल एच थ्रेड, ठीक है। ये दो दो ये होते हैं रॉड्स होती हैं, आर एच थ्रेड और एल एच थ्रेड की, और एक बॉडी होती है इसके अंदर हमारी, ठीक है।
तो मोस्ट ऑफ द पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स होते हैं टर्नबकल में, अगर हम उसको डिसअसेंबल करते हैं। तो इसने डिटेल्स दिखा रखी हैं और इसको असेंबल करना है हमें, ठीक है। जब हम असेंबल करेंगे तो असेंबल करने के बाद ये कुछ किस तरह से बन जाएगा, ये इसकी असेंबली ड्राइंग आएगी, ठीक है। असेंबल्ड फ्रंट व्यू है ये, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। इसमें से कोई दो व्यू बनाने को आते, तीनों व्यू बनाने को नहीं आते, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक नहीं आए तीन व्यू, मैंने नहीं देखे, हमेशा दो व्यू देखे हैं, बनाने के लिए आते हैं जब, ठीक है। बाकी वो राइटिंग, राइट हेडिंग, स्केल यूज, प्रोजेक्शन सिंबल, इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये पूरा, ये जो होता है ये पूरा 6 मार्क्स का होता है। इसीलिए जब आप टाइटलिंग करते हो और आप इस तरह की कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल कर देते हो तो वो मार्क्स कटवा देते हैं आपके। ये डी बना दिया आपने, तो सोचा कि मैंने सुंदर बना दिया, लेकिन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अवर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो इंग्लिश का पार्ट होता है, कर्सिव हैंड राइटिंग आपको सिखाना, ठीक है। तो उसको कोशिश करेंगे कि अगर डी बनाना है तो सिंपल डी ऐसे ही बनाना है आपको, प्रिंट फॉर्म में चाहिए होता है हमें, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज आपको सभी को? यस सर। ओके, अब मैं इसका आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि वीडियो जो है वो कैसे बनाना है, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो विजिबल हो गया, नजर आ रहा है आपको? सर वीडियो ओपन नहीं हुई। सर अभी भी नहीं हुई? फाइल सिर्फ फाइल वाला सेक्शन दिख रहा है। यस वाला सेक्शन दिख रहा है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। yes. तो मैं आपको फाइल वाला सेक्शन, ओके, अभी नजर आ गया? यस सर। ओके, तो इसके अंदर क्वेश्चन आपसे पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन है द फिगर शोज द डिटेल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए टर्न बकल, असेंबल दीज पार्ट्स करेक्टली एंड देन ड्रॉ इट्स फॉलोइंग व्यूज टू ए स्केल 1:1, ठीक है। इंसर्टिंग 70 mm थ्रेडेड पोर्शन ऑफ ईच रॉड इन साइड द बॉडी ऑफ द टर्नबकल। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें 70 mm थ्रेडेड पोर्शन को अंदर इंसर्ट करना है। अब अगर आप यहां पर देखें ध्यान से तो रॉड बी को देखो, क्योंकि रॉड ए में शायद आपको नजर नहीं आया, रॉड बी में जो थ्रेडेड पोर्शन की लेंथ है वो 90 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये 70 अंदर चला जाएगा तो बाहर कितना रह जाएगा, 20, ठीक है ना। आउटसाइड टर्न बकल ये 20 बाहर रखना पड़ेगा हमें थ्रेडेड पोर्शन, और उसके बाद रॉड की कन्वेंशन थोड़ी सी आएगी जो अप्रोक्सीमेटली 10 mm के आसपास हम बना लेते हैं, या 5 mm की भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे भी रहेगा। इसमें फ्रंट व्यू, अपर हाफ इन सेक्शन, साइड व्यू एज व्यूड फ्रॉम राइट, राइट से व्यू करेंगे तो बनाना है, जब राइट से व्यू बनेंगे तो साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा,
हम इसको बनाते हुए गलतियां ये करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो साइड व्यू कहाँ पे बनाने को कह रहा है, ठीक है। अगर वो राइट से कह रहा है तो लेफ्ट पे बनाना है, यानी कि आपका फ्रंट व्यू आपके राइट हैंड साइड पे बनना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साइड व्यू चला जाएगा, और टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली नीचे बनता है। तो टॉप व्यू बनाने को कहा राइट हेडिंग एंड स्केल यूज, ड्रॉ द प्रोजेक्शन सिंबल एंड गिव सिक्स इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमने करना है, और ने दोबारा क्वेश्चन को बताया है, पहले वो डायग्राम दिखाया, अब ये क्वेश्चन आया इसके अंदर, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन किया जा रहा है, इंसर्टिंग 70 mm, ठीक है, अपर हाफ इन सेक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम चलते हैं ड्रॉइंग पार्ट की तरफ, देखो साइड व्यू व्यूड फ्रॉम राइट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो ये स्टार्ट किया, ड्राइंग के बीच में कोई बार तो नहीं आ रहा ना ऊपर, नजर आ रहा है सभी को आपको? यस सर, आ रहा है एक पूरा, पूरी ड्राइंग नजर आ रही है ना बनाते हुए? नहीं सर, एक बार सा दिख रहा है ग्रे कलर का। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है फ्रॉम द रोड, जो रोड है उससे बनाना चालू किया है उसने, 70% 20 को बाहर कर दिया उसने पहले, ये 20 इस तरफ से पहले ही बाहर कर दिया, और रेस्ट ऑफ द क्रेडिट पोर्शन उसने अंदर की तरफ कर दिया। अब अपर हाफ इन सेक्शन है, अपर हाफ इन सेक्शन है, इसलिए जो रोड है अपर हाफ में नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए अपर हाफ में नजर आ रही है, लोअर हाफ में नजर नहीं आ रही, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए जो हमारा अपर वाला वो है उसके अंदर थ्रेडेड पोर्शन पूरा एक लाइन पूरी अंदर तक रॉड नजर आ रही है, जबकि लोअर हाफ पे अगर आप देखेंगे इसको तो लोअर हाफ में सिर्फ बाहर की तरफ नजर आ रही है, देख रहे हैं, सिर्फ बाहर की तरफ ही नजर आ रहा है, अंदर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा इसको। तो अपर हाफ इन सेक्शन में क्योंकि वो कट हो गया तो रॉड नजर आएगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये टर्न बकल का इंक्लिनेशन आपने देख लिया कि जो टेपर्ड एंड होते हैं तो वो टेपर्ड एंड एक तरफ बना दिया है, दूसरी तरफ भी टेपर्ड एंड बनना है। यहाँ पर भी जो थ्रेडेड पोर्शन है ऊपर अपर हाफ में पूरा नजर आएगा, लेकिन लोअर हाफ में वो नजर नहीं आएगा, लोअर हाफ में सिर्फ वो टच करता हुआ नजर आएगा उसको। तो इस तरह से ये हमने इसको ध्यान से देख के बनाना है। सबसे आसान असेंबली अगर होती है तो वो टर्न बकल की होती है हमारी, ये हैचिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आप मुझे एक बात बताएंगे कि इस जो थ्रेडेड रॉड थी उस को हैचिंग क्यों नहीं की? भाई अपर हाफ कट हो रहा है तो ये इस पे हैचिंग क्यों नहीं हुई है जो रॉड है? सिर्फ उसने बॉडी सर, रॉड तो विजिबल हो जाएगी ना जैसे ही बॉडी का अपर हाफ कटेगा। हाँ, क्योंकि वो बॉडी का हाफ काट रहे हैं हम, रॉड का नहीं काट रहे। यस सर, बॉडी का अपर हाफ कटेगा तो रॉड विजिबल हो जाएगी। तो रॉड इज नॉट कटिंग, हम रॉड को नहीं काट रहे फिजिकली, ठीक है, हम सिर्फ बॉडी को काट रहे हैं ताकि वो इंटरनल पोर्शन हमें नजर आ जाए। सेक्शन का पर्पज होता है कि अंदर की चीज नजर आ जाए।
तो जो चीज सेक्शन होती है, जो चीज कट होती है उसी पे हैचिंग की जाती है, ठीक है। और थोड़ा एरो हेड्स देखिए, ये छोटे छोटे बना रहे हैं, इन्होंने ज्यादा बड़े हैचिंग थ्रेडेड मतलब एरो हेड्स नहीं बनाए हैं। हम लोग क्या है, बड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े एरो हेड्स बना देते हैं, तो उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करो आप, थोड़े छोटे छोटे रखेंगे उसको। ये इसकी विड्थ है बॉडी की, और ये टोटल 70 mm और 20 mm जो इंटरनल और एक्सटर्नल जा रहा है वो उसकी डायमेंशनिंग कर दी है उन्होंने, ठीक है। ये 70 और ये 20। और इसके बाद अब ये हमारा क्या बन रहा है, साइड व्यू, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा। ये इस तरह से जितने सर्कल जैसे हमने उसमें बनाया था, जो जो सर्कुलर चीजें नजर आएंगी वो सर्कल बनाएंगे हम इसके अंदर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट में एक जैसा जैसा दिख रहा है, तो इसमें हिडन सर्कल्स हमारे नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना, हिडन सर्कल्स हमारे नहीं बनेंगे इसमें। अब इस चीज को ध्यान से देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन जो ये बन रहा है। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ इसको, ये इन्होंने कितना लिया है ये देखना, ये यहाँ से रेडियस को उठाया है और फिर रोलर को स्लाइड करके यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे इस तरफ। इसको ध्यान से समझना है, ये बनाना सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को, कि ये सब कट कहाँ करना है, कैसे करना है, तो वो इस वीडियो में आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे। दिस इज द हिडन पोर्शन, क्योंकि ये आपको ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, ये मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा है जो कि इस तरफ से देखने पर हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिडन पोर्शन बन रहा है यहाँ पे। और ये जो थ्रेडेड रॉड है पूरी, उसकी हैचिंग हो गई है, क्योंकि वो कटा हुआ हिस्सा है पूरा, ठीक है। अब दिस इज द डायमेंशनिंग पोर्शन, डायमेंशन हो रही है इसकी। डायमेंशन आपको 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन करनी होती है, लेकिन वो मिनिमम होती है, ठीक है। ये ना हो कि 6 ही करके आ जाए, थोड़ी सी ज्यादा करके आ जाओगे तो। अब ये कटिंग प्लेन जो हमें दिखाना होता है, इसके भी नंबर होते हैं, आधा नंबर या एक नंबर इसका भी होता है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो वो कट जाएगा, आपका फुल मार्क्स नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है, कटिंग प्लेन को। ये हमारा कटिंग प्लेन बना दिया है और इस पे इन्होंने मार्किंग कर दी। तो ये हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो गया। अब ये हमारा टॉप व्यू बन रहा है, और टॉप व्यू के लिए देखिए, वर्टिकल्स जो प्रोजेक्टर हैं, प्रोजेक्टर वो नीचे नहीं लेके आए, उन्होंने सीधा यूज किया रोलिंग रूलर से। ये देखिए सेम इस तरह से इन्होंने ये लाइन ड्रॉ की, इधर भी लाइन ड्रॉ की, और ये ट्रेपीजियम जो है दोनों तरफ जो बनने हैं वो बन गए, और बीच में रेक्टेंगल बन गया। बहुत आसान है टॉप व्यू बनाना, अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो। अब यहां से ये बीच वाला जो पोर्शन बनना है उसको लिया है, ठीक है। ये देखिए रोलिंग रोलर को स्लाइड करेंगे, और यहां तक लाने के बाद ये कंपास से निशान लगाएंगे कि बीच वाला रेक्टेंगल कहाँ बनाना है। बीच वाला रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पे। ये बीच में जो रेक्टेंगल बनाना है, इसका प्रोसीजर जरूर समझना है कि उन्होंने कैसे बनाया है। अपनी मर्जी से नहीं बना देना, जहां मर्जी उसकी डायमेंशन है वो प्रॉपरली डायमेंशन वहां से उठाई है जो साइड व्यू में नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए
वीडियो को देख लिया करो, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ये और मार्किंग है जो कि डबल लाइनिंग चलेगी अंदर, ये डबल लाइन होगी इधर, ठीक है। ये बेसिकली विड्थ दिखा देता है अंदर की। अब यहां पर हमारी रॉड्स आएंगी, ये रॉड्स यहाँ पे बनाएंगे, थ्रेडेड रॉड जो है हमारी नजर आ रही है ऊपर, ये हिडन है, दिस इज द हिडन पोर्शन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम लगभग कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब थ्रेडेड पोर्शन के लिए वो थ्रेडेड पार्ट दिखाना है उसका, टेपरिंग की गई उसकी, जो जहाँ से हमारा थ्रेड स्टार्ट होता है बेसिकली, उसकी टेपर कर रहे हैं वहां से पैरेलल लेके। बहुत ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें तो ऊपर से ही हमें मिल जाएंगी, ये ऊपर से जब देखेंगे टॉप व्यू से तो ये हमें पूरी नजर आएगी अंदर की तरफ, जो थ्रेडेड रॉड है वो अंदर पूरी नजर आएगी। और इस तरह से ये थ्रेड वाला हिस्सा जो है वो भी जहाँ हिडन करना है वहां हिडन कर दिया, और बाकी इसको उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से टर्न बकल के आप डायग्राम को बनाएंगे, असेंबल्ड करेंगे, और असेंबल्ड करने के बाद में आप पाएंगे कि सबसे अगर इजी ड्राइंग है कोई हमारी इसके अंदर तो वो ये टर्न बकल वाली ही है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज समझना आई हो तो मैं बता देता हूँ, वरना वीडियो तो शेयर हो ही जाएगा आपके साथ, वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। पूछना चाह सर रहे हैं जो कोई? राइट हैंड साइड व्यू में है उसमें हाइट तो उन्होंने फ्रंट व्यू से ले ली, लेकिन जो गैप रखा है वो किस हिसाब से रखा है एक्स एक्सिस में? कौन सा? ये जो है यहाँ पे, पेन चला लूँ एक बार? पेन चलाओ, पता चल जाएगा कहाँ पे कह रहे हो। आप सर ये वाला गैप कह रहा था मैं, जो इतना डिस्टेंस है ये एक्स डिस्टेंस एक्सिस में। अपने आप ही आ जाएगा ना बेटा, ये जब यहां से ऊपर की हाइट लोगे, जैसी हाइट लोगे आप, ठीक है, तो ये गैप अपने आप ही आ यस जाएगा सर। उसके अंदर। भाई सर मेन इसमें कोई इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट नहीं लेनी? नहीं, वो हाइट से अपने आप आएगा, मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली ये वाला गैप नजर आएगा यहाँ से आप। ओके सर। वीडियो पे मैं चला नहीं पा रहा हूँ ना, तो ये जो है ये यहाँ पे गैप अपने आप आएगा जब ये हाइट लोगे आप, आपको हाइट का एक अंदाजा हो जाएगा ना, तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों हाइट को जैसे मिलाओगे गैप अपने आप आ जाएगा वो, ओके सर। ठीक है, ट्राई करोगे तो बन जाएगा वो। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? तो हमें हमने पाया कि इसके अंदर हम इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी इसको डिसअसेंबल करना सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर